आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जो दोस्त मेरे एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, यदि उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूं उसका जो नोटिफिकेशन आप तक इजिली पहुंच सके। दोस्तों, रोज मैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक जो है आपके सामने लेके आता हूं, और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कि किसी नेटिव के चार्ट से कैसे पता चले कि जीवन में उसको कितनी सफलता या असफलता मिलेगी। तो केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से यदि असेंडेंट जो कस्पल सब लोड होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे वीनस है और वीनस जो है खुद प्लेनेट लेवल पे 1, 2, 3, 6, 10, 11 हाउस दे रहा है तो गुड है, क्योंकि ये इम्प्रूविंग हाउस। और आगे इसका वीनस मतलब असेंडेंट कस्पल सब लोड जो होगा वीनस जैसे बना, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, तो यदि उसका स्टार लोड, मान लीजिए स्टार लोड मरकरी हुआ, तो मरकरी यहाँ पे यदि 1, 2, 3, 6, 10, 11 दे रहा है मतलब प्लेनेट लेवल पे और स्टार लेवल, तो ये बहुत एक अच्छा केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से योग है कि जातकों को जीवन में हर फील्ड में सफलता ही मिलेगी। सेकंड, जो असेंडेंट कस्पल सब लोग हैं ये यदि 4, 5, 7, 8, 9 and 10, 12 क्योंकि ये हाउस जो है ये बैड हाउस है, ये सिग्निफिकेंट है, लेकिन क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट से ज्यादा स्ट्रांग जो है वो नक्षत्र होता है, स्टार होता है। अब यदि इसका स्टार 1, 2, 3, 6, 10 and 11 सिग्निफाई कर दे तो ठीक है, यहाँ पे बैड हाउस है लेकिन स्टार लेवल पे वो काफी स्ट्रांग हो गया, तो ये इसको हम बी लेवल बोल देंगे कि फिर भी जातक को जो है सफलता जीवन में मिलेगी। थ्री, असेंडेंट कस्पल सब लोग जो है वो सिग्निफाई कर दे 1, 2, 3, 6, 10 and 11 अच्छे हाउसेस, और इसका जो अगर स्टार है वो, क्योंकि प्लैनेट से स्टार जो है काफी स्ट्रांग होता है, वो सिग्निफाई कर दे 4, 5, 7, 8, 9 and 12 तब प्लैनेट पे तो प्रीवियस हाउस है हमारे पास, अच्छे हाउस है, लेकिन स्टार लेवल पे हमारे पास गुड हाउस नहीं है, तो अब जातक को जीवन में सफलता और असफलता दोनों का मुंह देखना पड़ेगा। फोर, मान लीजिए असेंडेंट जो कस्पल सब लोड है वो 4, 5, 7, 8, 9 and 12 और जो इसका स्टार है वो भी हमें 4, 5, 7, 8, 9, 12 ही दे रहा है, तो ये लगन जो है, ये चार्ट जो है काफी वीक हो गया, तो जीवन में इस जातक को काफी संघर्ष करना पड़ेगा। तो ऐसे हम किसी भी जातक का जो नेटिव का चार्ट होगा उसे देख के ये जान सकते हैं कि इस चार्ट में उस जातक को कितनी सफलता और कितनी असफलता है लाइफ में मिलेगी। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि आपके पास जो है सिंह लगन है लियो, लियो लगन में जो सन है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 जो असेंडेंट कस्पल सब लोड आप लेना चाहें वैसे देख लीजिए, या फिर लगन लोड उसे भी हम कंसिडर करते हैं चार्ट में, जैसे कि ये है सिंह सूरज। अब ये चंद्र के मून के स्टार में चला गया, मान लीजिए अब मून यहां ही बैठा हो मान लीजिए, तो स्टार लेवल पे लगन का जो संबंध बना वो 12th हाउस से बना, तो 12th हाउस ना तो हेल्थ के लिए, क्योंकि लगन लगन हेल्थ है, सेल्फ है, और जीवन में कुछ भी सफलता असफलता
तो 12th हाउस से बना तो ये वीक हो गया। अब यदि यही मान लेते हैं कि मर्करी के स्टार में चला जाए, तो मर्करी 11th हाउस का लॉर्ड है, सेकंड में मान लीजिए कि बैठा है, तो अब स्टार लेवल पे वो सेकंड भी दे रहा है, 11th भी दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे असेंडेंट मान लीजिए कि सन यहीं पे बैठा हो, तो हम कहेंगे कि असेंडेंट जो है वो खुद 1st हाउस में चला गया, स्टार उसका 12th में चला गया, तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बना वो 1 और 12 का बना, तो लग्न वीक हो गया। अब यदि ये मर्करी के स्टार में चला जाता तो अब वो क्या, 1st हाउस तो 1st में है, स्टार उसका 2nd और 11th में है, तो अब इसका संबंध जो है वो 2, 11 और 1 से बन गया, अब यह लग्न जो है स्ट्रांग हो गया। सो याद रखिए, जो स्टार है वो लग्न लॉर्ड से काफी स्ट्रांग होता है केपी में। तो कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर चर्चा होगी, तब तक के लिए नमस्कार।